युग में निर्गुण राम भक्ति धारा के संत कबीर की भांत संत दादू हुए हैं, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच आत्मीय एकता एकात्म बोध जगाने के लिए महान प्रयत्न किए। उनकी प्रसिद्ध साखी है कि दोनों भाई हाथ पर दादू दयाल जी की साधना स्थली जयपुर में आमेर किले के पास थे, वही वो साधना रथ थे। इनके प्रमुख शिष्य हुए संत रज्जब, जिनका पूरा नाम रज्जब अली खान था। रज्जब जी का जन्म जयपुर के समीप सांगानेर में हुआ। इनके पिता शाही सेना में छोटे नायक थे और ये जाति के पठान मुसलमान थे। ज्यादा आओ,
सबसे ऊंची सूखी छाल है खाल, सिर्फ जलाने के ही काम आते हैं। हमसे ही शुरू की जाती है ये आग, हम जल्दी आग को पकड़ते हैं, फिर जब आग फैल जाती है तो हमारा काम खत्म। हमारा काम खत्म नहीं होता तब तक हम ही खत्म हो चुके हैं। जरूरत तो दोनों तरफ हमारी ही बनती है, हमारी ही तबाही होती है। हम पिछड़ों की बड़ी बड़ी झुक्की बस्तियों में इसीलिए आग से ज्यादा तबाही होती है। भिवंडी हो, मुंबई हो, चाहे वो गुजरात ही क्यों ना हो, हर जंगों का हमारा अपना इतिहास है। इतिहास कैसे खुद को दोहराता है जानता है रफी? मुस्लिम शासकों के काल में शासकों द्वारा सर काटे जाते थे और ब्राह्मण उपेक्षा से मारते थे, उपेक्षा से जाति बाहर कर देते थे, हुक्का पानी भी बंद कर देते थे। हम कभी हिंदू तो कभी मुसलमान। रफीक, ये कर्म उलट चुके हैं अब। हाँ भाई, हमें तो मरना ही है, तलवार से मरे या उपेक्षा की मौत, क्या घरों में जिंदा जलकर। हाँ भाई, युग बदल गए पर हमारा मरना तो लाजमी है। लो भाई, लो कुछ नहीं यार, हम तो सांस भी लेते हैं तो डर डर कर कि कहीं उसमें से आग ना निकल आए। पर हमारी बस्ती तो सूखे घास फूस के ढेर जाती है, ना जाने कब कहां से कोई आग और चिंगारी भड़क उठे कि फिर से आग, फिर से दंगे, फिर से चली लाशों के ढेर। चली लाशें ढोने लगते हैं, सोने धोने लगते हैं, और जब जब इस बस्ती की आग ठंडी हो जाती है तो पेट की आग को बुझाने की खातिर रोजगार ढूंढने निकल जाते हैं। फिर वही ढर्रा, वही तांगा, वही घोड़ा, वही खर्रा। ठीक कहते हो भाई, हम हैं ही जन्म जन्म के मूल। बाहर से आया आपको बिना देखे, बिना पहचाने, अंधे अपना भाई बच्चे अमेर कर। जुजू भैया, बचेरू भैया, तुम्हारे मुन्नुआ को दंगाइयों में काट दिया। हिंदू मुस्लिम पचास नहीं समय, पर आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये सब क्या है, क्यों है, किसके नाम पर? एक गांव के अटूट काफिले, बेबस लुटे पिटे लोगों के भूखे प्यासे हुजूम, खुदा ने क्या कुछ नहीं दिया? ये पहला प्रेम से भरा आसमान दिया है राम ने, माँ से आचो की पना देने वाली धरती दी है रहमान ने। एक धरती और एक आसमान को क्यों दूसरों में बांटते हो तुम काहिल लोग, लोगों के हुजूम? तुम मूढ़ों को समझाने के लिए बार बार आते हैं, कबीर, नानक, दादू, और बार बार तुम मूढ़ राजाओं, पंडों और मौलवियों के हाथों पिटते हैं।
आज भी बिट है। कभी नानक दादू तालाब के किनारे इस बड़े छायादार पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेते बहुत थक गए। उसके बाद बारात लेकर आमेर गांव की तरफ चलेंगे। क्यों भाइयों? दादू को सजदा कर कर अभी आते हैं। हाँ हाँ जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जल्दी लौट कर आना। जी बिल्कुल। अरे अच्छे तो हमने तो चिंता कर लिया, दर्शन भी कर लिए, पर इनकी नजर तो हम पर पड़ी ही नहीं। आपी के हाथों में मुझे ठिकाना मिल गया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं रंजन, जीवन का मार्ग बहुत कठिन है और वैराग्य तो
चीजों में से गुजरने जैसा है, जिसको सोचो तुम युवा दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नजर से देखोगे तो घूर पाप हो। जाओ ब्याह करो। मिल गया जी, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चा पिता निकल नहीं सही, पर निकल नहीं नहाए, अब लगी अपनी से सुखी, जिसकी बज गए जाए। ये आपने क्या किया महाराज? मेरा तो घर तबाह कर दिया, मेरी हजरतों का चिराग भी बुझा दिया आपने। मुझे तो अपने रज्जब से बहुत उम्मीद थी महाराज। नहीं खान, ये दोष मुझ पर मत लगाओ, ये तो मत मुझ पर मत लगाओ। मेरे को रज्जब तो खुद खुदा के मार्ग की ओर बुला, बल्कि मैं तो इसे कहना जाओ ब्याह कर लो। नहीं महाराज, इसके दिमाग पर चोट तो आते ही नहीं है। ये तो अच्छा खासा घर से खुशी खुशी दूल्हा बनकर बारात लेकर गया। रास्ते में बारात आराम करने के लिए रुकी, ये आपका ख्याल करने आया है बस। अब्बा जान, दयाल जी का शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने मुझे और आपके खानदान को डूबने से बचा लिया। मुझे दुखी होने का मंजूर नहीं है अब्बा जान, खुशी मनाने का मौका है, पहली खुशी। अब आप मेरे छोटे भाई अज्जब की शादी उस लड़की से करा दें। जैसी अल्लाह की मर्जी। चलो भाइयों, अब तो अज्जब को ही दूल्हा बनाते हैं। रज्जब ने तो आज एक नया चांद चढ़ा दिया है आसमान में। शब्द गुरु पाप के दूर दिशांतर जाए, जिन्हें लागे तू भरे, लागे तू भरे उनसे ये लगाए। दादू दयाल महाराज जी की साधना सुनी। Thank you.
सखियां एक दूसरे से कह रही है कि हे सखियो, आज मंगल गीत गाओ, क्योंकि जिन प्रभु के दर्शन हम स्वप्न में करती थी तो आज हमारे हृदय मंदिर में पसार गए हैं। विहंग आत्मा का चेहरा खिल आया है, सभी प्रभु की जय जयकार कर रही है। करोड़ों पदम सूर्यों की चमक से प्रभु का अंग अंग प्रकाशमान हो रहा है। सुंदरी अपने पीर का स्वागत करने के लिए सोहरे श्रृंगार कर पीर को स्पर्श करती है। साई ताजा नाम है, साई झाम कन्या दादू निर्भय है रहे काल न राम तुम्हारे नाम जे मुक्ति निकले और सो अपराधी जीव को तीन लोग ज्ञानी होते हुए भी आकार में बना रहा, ज्ञान विज्ञान के ऊंचे शिखरों पर बैठा इकलौता रहा। उसे सामने खड़े अरिंदम नदी के आपा में दे हरी भजे कन मन सजे दिगाम निर्वैरी सब जीव की यदि दादू मत साम राम। महाराज जी आरती का समय हो गया। Yeah.
आज हमारी भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं। रजत जी, आप सभी लोगों के साथ जाकर मखना जी के यहाँ भोजन ग्रहण करें। एक बार की बात है, दादू जी महाराज अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में पांच एक फुट का नाला मिला। नाले में कीचड़ भरा था, सभी रुक गए। महाराज जी ने इधर उधर देखा, सभी शिष्य बोले कि गुरुदेव हम अभी ईटा पत्थर लेके आते हैं, नाले में डाल देंगे, रास्ता बन जाएगा और पार हो जाएंगे। सभी शिष्य ईटा पत्थर लेने चले गए, लेकिन रज्जब जी वहीं खड़े रहे। कुछ क्षणों के बाद रज्जब जी नाले में लेट गए। बोले महाराज, मेरे शरीर पर पैर रखकर आप नाला पार कर जाए, ये तो मिट्टी का है, आपके चरण स्पर्श तो धूल के कणों से भिन्न हो जाएगा। महाराज मुस्कुराए और रज्जब जी के शरीर पर पैर रखकर नाला पार कर गए। इतने में शिष्य ईंटा पत्थर लेकर आए तो भोजक होके क्या देखते हैं कि गुरु जी तो पार खड़े हैं और रज्जब जी का शरीर कीचड़ में सना हुआ है। तब दादू जी महाराज ने शिष्यों को कहा कि ऐसे भौचक होके क्या देख रहे हो, थोड़ा पीछे हटके नाला कूद कर पार कर जाओ। रज्जब जी से बोले कि रज्जब कह गज्जब कियो, हमें उतारा पार, धन्य तेरा जीवन हुआ, पाया मुक्ति हुआ। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम। अब जल्दी कीजिए, वे लोग आने ही वाले हुए। आपने अभी तक चादर भी नहीं बिछाया, कहाँ बैठा है वो लोगों को? जी अभी बिछा रही हूँ, आपके तो यही हाथ पांव हो रहे हैं। अरे कोई गैर थोड़ी आ रहे, आपके गुरु भाई कहना। ठीक है, गैर नहीं है, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कीजिए आप, कोई कमी नहीं रहेगी। अरे भाई, पूरी मंडली आ रही है भोजन पर, कोई मजाक थोड़ी ही है। मुझे मालूम है, ये नीचे चादर। हाँ जल्दी जल्दी खाइए। आप उसकी फिक्र कीजिए, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी। आप तो इस्लाम में माहिर है भाई। आप जल्दी से अंदर जाकर पानी और लोटा लेकर आइए। जय दादू राम, सत्य राम, सत्य राम। आप लोगों का सवाल है, आइए तस्वीर पाइए। पटना जी, आपके घर में तो बहुत शांति है। हाँ, सब दादू महाराज की कृपा है। आप लोग मेहरबानी करके भोजन प्रारंभ कीजिए। हम पर भी दादू जी महाराज की बड़ी कृपा होगी जो आप यहाँ पधारे।
चंद लोग पधारे। अच्छा बपना जी, अब आज्ञा दे। जय दादू दयाल। सत्य राम सत्य राम। जय दादू दयाल। सत्य राम सत्य राम। सुनिए, आप ही दादाजी महाराज के शिष्य हैं और राजा जी भी, लेकिन राजा जी का तो बड़ा मान है, बड़ा प्रभाव है, आपका प्रभाव तो उनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये क्या बात है? तो ये बात है, यानी रज्जब चूल्हे पे आप भी रीझ गई, तभी इतने गौर से देख रही थी। अभी आप ना बड़े हो, आपको ना हर समय ही मजाक उड़ता है। मैं भी कहूँ कि आज रज्जब भाई को भोजन पर बुलाने का इतना इसरार क्यों हो रहा है? देखिए, आप हमसे ऐसे मजाक मत कीजिए, हम सचमुच जानना चाहती हैं कि ऐसी क्या वजह है कि रज्जब जी का इतना मान है, इतना प्रभाव, आपका नहीं, ना ही कोई मंडली है, ना ही कोई बुलावा और ना ही कोई चढ़ावा। आप सचमुच जानना चाहती हैं? जी। तो सुनिए, दादू जी महाराज की मुझ पर भी उतनी ही कृपा है जितनी रज्जब भाई पर। जो ज्ञान संपदा उन्होंने रज्जब भाई को प्रदान की है, वही मुझे भी प्रदान की है। तो फिर ये इतना अंतर क्यों? हाँ हाँ, वही बता रहा हूं। यदि कोई कमी है तो सिर्फ ये कि रज्जब भाई विरक्त है, संसार के मोह माया से परे, और मैं विहत हूं। जी नहीं, मैं तो नहीं मानती। अजी, आप माने या ना माने, ये है आपके चरणों का प्रताप ही। चन रज्जब को संपदा गुरु दादू अरे रखना के सोचा नहीं, अरे बखना के तोता नहीं, फिर चरणों का महाराज दर्शन दे।
भाई हमारा सामान हो चुका है, जरा मेरी खड़ाऊ तो ले आओ, तनिक आश्रम तक पहुंचो। खड़ाऊ का क्या करना महाराज, उससे कहिए मैं ऐसी आपको उठा कर आश्रम तक ले चलता हूँ, आप भी आते रहिए। रज्जब जी उमंग में थे, बलशाली होने का अभिमान था, उन्हें महाराज का शरीर बहुत हल्का लगा, कहने लगे महाराज खड़ाऊ की क्या जरूरत है, मैं आपको वैसे उठाकर आप उतर ले जाऊंगा। महाराज समझ गए कि रज्जब को अहंकार हो गया है, अब शिष्य का अहंकार तो तोड़ना है। तो महाराज ने सारी सृष्टि की भूमिका अपने अस्तित्व में समेट कर अपना वजन बढ़ा लिया।